जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम् सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की, परम जगत निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सदा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। व्यक्ति को अपने जीवन को दो भागों में स्वीकार करना पड़ेगा। सृष्टि ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जो हम परिवर्तित नहीं कर सकते। सृष्टि कभी परिवर्तित नहीं होगी। सृष्टि एक ऐसी वस्तु स्थिति है जो कभी अपने आप में परिवर्तन नहीं लाती। सृष्टि यदि परिवर्तित होने लग जाए तो वह बड़ी दुविधा में पड़ जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से सृष्टि को चाहता है। सृष्टि किसकी इच्छा पूरी करेगी? सारा संसार की इच्छाएं एक नहीं हो सकती, सारे संसार की सहमति एक नहीं हो सकती, सारे संसार के विचार एक नहीं हो सकते, सारे संसार की इच्छाएं एक नहीं हो सकती, सारे संसार की पसंद एक नहीं हो सकती। एक ही वस्तु को ना जाने कितने लोग कितनी दृष्टियों से देखते। हम चाहें कि एक वस्तु को एक व्यक्ति सारी दुनिया एक ही दृष्टि से देखे, संभव नहीं, हो ही नहीं सकता, असंभव वाली बात, कठिन भी नहीं है। एक ही वस्तु को कोई एक सारी दुनिया एक दृष्टि से देखे ऐसा हो ही नहीं सकता। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा नहीं है। वस्तु अपने आप में नाना रूप धारण करती है। अब सबकी एक दृष्टि कैसे बनाओ? और एक दृष्टि नहीं बनाई जाएगी तो प्रकृति कहती है मैं किस किस के अनुसार प्रणमन करूं, किस किस की इच्छा पूरी करूं। हर व्यक्ति चाहता है प्रकृति मेरे अनुसार चले, लेकिन मैं किसकी इच्छा पूरी करूं? एक ही वस्तु है। आप लोगों को ने देखा होगा, आप लोग खुद घर में एक मत नहीं हो सकते, एक विचार नहीं हो सकते, सबकी दृष्टि एक नहीं हो सकती। आपको एक उदाहरण दें, सरल उदाहरण। एक तुम्हारे घर में कोई स्त्री है, उसको सभी लोग एक ही दृष्टि से देखोगे। फैसला आप लोग कर दो, मीटिंग पास कर लो, एक दृष्टि बचाओ, सभी लोग इस स्त्री को एक ही दृष्टि से देखेंगे। आपके घर से मुझे सर्वसम्मति चाहिए। पंचायत प्रस्ताव पास करे, शिक्षा मंत्री से पूछ लो, घर में एक स्त्री है,
सभी लोग एक ही दृष्टि से देखेंगे उसको। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, जो तुम्हारी पर जिस पर सर्वसम्मति बन जाए, बचाओ भाई, नीचे वाले बताओ, महिलाएं बताओ, संभव है कि असंभव? असंभव। सारे लोग घर की एक स्त्री को, एक दस लोग हो तुम लोग, दसों लोग घर की स्त्री को एक दृष्टि से देखेंगे, उसके साथ सभी लोग एक व्यवहार करेंगे। दादी देखना है तो सब लोग दादी ही कहना, माँ कहना है तो माँ ही कहना, पत्नी कहना है तो पत्नी ही कहना, बहन कहना तो बहन ही कहना, बिटिया कहना तो बिटिया ही कहना। बसाओ, ये प्रस्ताव कभी पास हो सकता है? असंभव। एक घर की एक नारी है, कोई उसे माँ की दृष्टि से देख रहा है, कोई उसे पत्नी की दृष्टि से देख रहा है, कोई उसे बहन की दृष्टि से देख रहा है, कोई उसे बिटिया की दृष्टि से देख रहा है। एक वस्तु, एक घर, दस लोग एक नहीं हो पाए। अब क्या करें, एक मत कैसे बनाए? स्त्री वह हो जाएगी जो तुम पर सहमति करोगे। प्रकृति प्रदत्त द्वारा स्त्री एक ही बनाई गई। माँ नाम की स्त्री अलग बनाई गई हो, पत्नी नाम की स्त्री अलग बनाई गई हो, ये माताएं कहलाएंगी, ये पत्नियां कहलाएंगी, ये बिटिया कहलाएगी, ये बहन कहलाएगी, ऐसा प्रकृति का डिवाइडेशन हुआ। फिर ये सासुएं कहलाएंगी, ये और क्या रिश्ते मुझे याद नहीं, ये बुआ कहलाएगी, ये ब्याह कौन सी समदन कहलाएगी, ये साली कहलाएगी, ये साराज कहलाएगी। कितने डिवाइडेशन, कितने प्रकार की स्त्रियां बनाना पड़ेगा प्रकृति को, अंत नहीं आएगा। प्रकृति ने कहा मैं एक बनाता हूं, एक स्त्री को बनाता हूं, एक स्त्री तुम्हारे सामने है, अब उसको किस दृष्टि से देखना है ये निर्णय मेरा नहीं, ये निर्णय तुम्हारा है, ये निर्णय तुम्हारा है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैंने तो एक स्त्री को बना दिया, एक स्त्री तुम्हारे घर में है, अब किसको किस दृष्टि से देखना है? फिर कहते कहते ये अधिकार मेरा नहीं है, ये अधिकार तुम सुनो, ये अधिकार तुम्हारी स्त्री है तुम उससे पूछो। दोनों अब दो के बीच आ गई, अभी तक निर्णय किस पे था? पूरे परिवार पर, तो पूरे परिवार की तो सहमति नहीं बनी, अब दो पे आ जाओ, अब दोनों एक मत हो जाओ। तुम किस दृष्टि से देखना चाहते हो? अनर्थ हो जाएगा, पाप हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा यदि तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया जाए कि तुम स्त्री को जिस दृष्टि से देखना चाहो देखो। दुनिया पाप से भर जाएगी। फिर प्रस्ताव किया, अब आता है हमारा धर्म बीच में। अभी यहां दो तक धर्म नहीं था, धर्म को कोई लेना देना नहीं, धर्म तो एक ही बात कहता है, तुम एक मत हो जाओ, तुम सब एक निर्णय कर लो। एक निर्णय हो नहीं पाया, हमें छूट दे दो, जो जिस दृष्टि से देखना चाहे वो देखेगा। धर्म साथ कहते हैं, अब प्रकृति नहीं कहती, प्रकृति मना नहीं करती, प्रकृति हाँ तुम्हें जिस दृष्टि से देखना देखो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं, तुम तुम्हारी दृष्टि है, तुम जिसको जैसा चाहे देखो। अब प्रकृति के बीच में धर्म आता है, हे प्रकृति, पहला नियम तो आपका सही था कि मैं एक स्त्री को बनाता हूं, पुरुष को बनाता हूं, हम भेद नहीं कर सकते, हम अलग अलग नहीं बना सकते। धर्मशास्त्र कहते ये बात तुम्हारी सहमत है, मैं भी धर्म उसकी सहमति देता है।
ठीक बात है, कहाँ तक डिवाइड करोगे, कहाँ तक क्या करोगे, कर ही नहीं सकते, कोई डिवाइड नहीं सकते, झगड़े हो जाएंगे, हो ही नहीं सकता, अनैतिकता फैल जाएगी, सारी दुनिया में इतना अनर्थ हो जाएगा, सारी दुनिया पशुओं से भी गई बीती हो जाएगी। एक वस्तु को सबकी इच्छाएं कैसे पूरी करें? तो फिर मनमाने ढंग से कर ले, जिसको जो देखना है देख लो, नहीं, अब धर्म कहता है प्रकृति तुम्हारा यह प्रस्ताव धर्म खारिज करता है, तुम्हारे इस प्रस्ताव को हम अपने भक्तों को नहीं मानने देंगे, हम अपने भक्तों को नहीं मानने देंगे ये बात कि तेरी जो मर्जी पड़े, जो दृष्टि पड़े तो देखो, अनर्थ हो जाएगा। हर व्यक्ति मनमानी करेगा, विषमवाद हो जाएगा। एक महाराज के दो शिष्य से उन्होंने एक बार ऐसी गलती कर ली, दो शिष्य थे, दोनों परम भक्त थे, बहुत श्रद्धालु थे, दोनों की अनन्य शक्ति थी, सेवा करते थे, दोनों कहते थे मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा। ऐसे भक्त नहीं थे कि जो कहते मैं क्यों सेवा करूं, मैं क्यों सेवा करूं, दोनों अच्छे थे, मैं करूंगा, मेरे गुरुजी हैं, वो कहता मैं करूंगा। अब इतना दोनों में झगड़ा होता गुरु की सेवा करने के लिए कि गुरुजी विश्राम ही नहीं कर पाते, जैसे वो लेटते हैं दोनों झगड़ना करने जाते। गुरु ने कहा कि ऐसा करो, देखो तुम लोग मेरी नींद डिस्टर्ब करते हो, मैं तुम दोनों को एक एक पैर बांट देता हूँ, इस पैर की सेवा तुम करना, इसकी तुम करना। बोले जी गुरुजी बहुत अच्छा रहा, बंटवारा कर दिया ना, अच्छा रहा। और महाराज जी सो गए, अब कोई चिंता ही नहीं, दोनों अपने अपने पैर दबा रहे थे। एकाएक महाराज की निद्रा में उन्होंने एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रख दिया, दूसरा कहता तेरे पैर की ये हिम्मत मेरे पैर के ऊपर आए, गुरुजी ने ये पैर मुझे दिया है, ये तेरा, तेरे पैर की ये हिम्मत कि मेरे पैर के ऊपर आ गया। उसने उठाया डंडा और तेरे पैर की यह हिम्मत, और जैसे ही पैर पे डंडे पड़े महाराज ये क्या कर रहा है? बोले गुरुजी आप मालूम है ये पैर आपने हमें दिया था ना, और ये हमें दिया था, इसका पैर मेरे पैर पे आ गया, इसकी ये हिम्मत, तो मैंने तो उसके पैर को निपटा ही दिया। महाराज कह रहे भैया उसका पैर नहीं निपट गया, सेवा के लिए बंटवारा किया था, तूने तो एक पैर का ही कर दिया। बोले ऐसे शिष्यों से कैसा मजा रहा, बिना ये भैयावृत्ति के ठीक है कि भैयावृत्ति कराना ठीक है? कम से कम भैयावृत्ति नहीं होती तो पैर तो ये स्थिति बन जाएगी दुनिया में। दूसरा कहेगा मैंने इसको इस दृष्टि से देखा है, कोई ने यदि दूसरी दृष्टि से देखा तो आंख फोड़ दूंगा, क्योंकि मैं देख चुका हूं, मैं देख चुका हूं। कुलभूषण देशभूषण में यही हुआ था, एक कन्या को दोनों ने देखा, दूसरा कहता मैं देख चुका हूं इसको, ये मेरी जीवन साथनी बनेगी, दूसरा कहता है मैंने देखा है, मैंने देखा है, और परिणाम ये निकला कि दोनों में तलवारें निकल गई। कुलभूषण देशभूषण ने दोनों को एक कन्या को एक साथ दृष्टि पड़ी, वो कहता मेरी दृष्टि पड़ी है अब तेरी यह है, बड़े भाई से कहता अब तेरी यह मेरी पत्नी है, तेरी माँ के समान है, वो कहता मैंने देखा है तेरे लिए यह स्त्री है बेटी के समान है, दोनों में तलवारें खिंच गईं। पिताजी ने आगे कहा क्या कर रहे हो? बोले इस कन्या को मैंने देखा है, मेरे जीवन में ये कन्या साथी बनेगी। वो कहता नहीं पिताजी मैंने देखा है, ये मेरी जीवन साथी बनेगी। पिताजी ने कर्म ठोकले, किसको देखा है? जिसको देखा है ये तुम दोनों की बहन है, क्योंकि जब तुम लोग विद्यालय गए थे 16 साल के लिए विद्यालय जाता, 16 साल बाद लौटे थे,
कुलभूषण देशभूषण तद्भव मोक्षगामी जीव गजपंता से मोक्ष पधारे, उनकी दशा देखो क्या हुई। पढ़ के आए, जैसे पढ़ के आए वो बेचारी बहन खड़ी है दरवाजे पर सामने महल के ऊपर लेने आई, और वो नहीं समझ पाए, दृष्टि स्लिप हो गई, तलवारें खिंच गई। दोनों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ पढ़े, आज तक कभी उनमें राग द्वेष नहीं हुआ, कभी झगड़ा नहीं हुआ। हुआ तो ऐसा हुआ, दोनों तलवारें खींच ली, राजकुमार थे दोनों के पास कटारे। पिताजी ने कहा क्या कर रहे हो तुम, ये जो है तुम्हारे जाने के बाद इसका जन्म हुआ है, ये तुम दोनों की बहन है। पिताजी बहन है, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मेरी कुदृष्टि को, धिक्कार है। परिणाम ये हुआ कि पढ़कर के घर में प्रवेश था, पूरा नगर सजा था उनके प्रवेश के द्वार में, और ये घटना घटी। दोनों ने वहीं जाकर के केस लॉन्च करना शुरू करके और चले गए वनवास, दीक्षा ले ली। रागी थे तो कैसे थे, और बैरागी थे तो अब तुम लोग क्या महाराज जी, जब ऐसे तद्भव मोक्षगामों की दृष्टि बिगड़ जाती तो हमारी क्यों नहीं। अरे भाई उनकी बिगड़ भी जाती है तो बन भी जाती है। एक क्षण में राग देखो कितना तीव्र, कितना परिवर्तन। एक क्षण पहले तलवारें निकल रही हैं एक दूसरे को मारने के लिए, वस्तु एक थी, और एक क्षण पहले एक शब्द ने ऐसा बैरागी बना दिया, ऐसा बैरागी बना दिया कि मुनि दीक्षा लेकर मोक्ष चले गए। जब ये कथानक मैंने पढ़ा कि मैंने कि कैसा है संसार, चौथा काल का अंतर यही है कि चौथे काल में पाप भी बहुत थे, राग भी बहुत था, द्वेष भी बहुत था, लेकिन बैराग भी बहुत था। लड़े तो ऐसे लड़े कि एक दूसरे को मार डालें, और छूटे तो ऐसे छूटे हैं कि कोई उन्हें मार भी डाले तो मुख से उब भी ना निकाले, उब भी नहीं निकाले, ध्यान में बैठ गए कुछ नहीं। एक वस्तु को यदि एक दृष्टि से देखने की बात कह दी जाए तो धर्मशास्त्र कहते प्रकृति ये नियम हम आपका अमान्य करते हैं, ये नियम का हम सब लोग बहिष्कार करते हैं। क्या छूट दी तुम्हें, जिसको जिस दृष्टि से देखना है देखो, ये पाप दृष्टि है, ये अनर्थकारी दृष्टि है। अब इसके लिए धर्म दो धाराएं लागू करता है, प्रकृति की तरफ से धारो नहीं, प्रकृति ने कह दे तुम्हें जिसको जो देखना है देखो, जिसको जो सुनना है सुनो, जिसको जो खाना है खाओ, जिसको जो बोलना है बोलो, तुम्हें जहां जाना है जाओ, मैंने तो पैर दे दिए तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाओ, मैंने तो कान दे दिए तुम्हें जो मर्जी पड़े सुनो, मैंने तो मुंह दे दिया तुम्हें जो बोलना है बोलो, मैंने तो आंखें दे दी जो देखना है देखो, मैंने मन दे दिया जो सोचना है सोचो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। प्रकृति के सामने धर्म की जरूरत ही नहीं थी। पहले प्रश्न में हमने तो एक वस्तु बना दी, कान बना दिया, बस हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। धर्म ने कहा ठीक, आपका काम पूरा हुआ मां, मैंने आंखें बना दी ठीक किया अच्छा किया, मन बना दिया अच्छा किया, पैर बना दिए अच्छा किया, हाथ बना दिए अच्छा किया, सब में धर्म कहता बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया। मैंने पुरुष बनाया अच्छा किया, मैंने स्त्री बनाई अच्छा किया, मैंने पशु बनाया अच्छा किया। संस्थान विचय धर्म ध्यान हमारे जैन शास्त्र में बोलते हैं, जैन शास्त्रों में से कहते हैं प्रकृति ने जो जैसा बनाया है उसको एक्सेप्ट करो, किसी चीज का मना मत करना, गलत बनाया, जहर बनाया एक्सेप्ट करो, मैंने जहर भी बनाया है, धर्म कहता है ठीक किया
जहर आपने बुरा नहीं बनाया, मैंने तलवार भी बनाई, बोले ठीक किया, मैंने बरसात बनाई, मैंने गर्मी बनाई, सब कुछ जो दुनिया में जैसा है प्रकृति के इस नियम को कभी नकारना नहीं, अस्वीकार नहीं करना, अन्यथा तुम प्रकृति विरोधी माने जाओगे, तुम जीवन में बहुत खतरे में पड़ जाओगे, मिथ्या दृष्टि घोषित हो जाओगे। जैन दर्शन की जब मैंने विशालता देखी, चार धर्म ध्यान होते हैं, आज्ञा विचय, विपाक विचय, अपाय विचय और संस्थान विचय। संस्थान विचय धर्म ध्यान के लिए उनका नहीं, ये धर्म ध्यान तो है ग्रस्त नहीं कर पाएगा, ग्रस्त धर्म ध्यान नहीं कर पाएगा, चारों धर्म ध्यान आप नहीं कर सकते। अरे भाई धर्म ध्यान है, सो करने में मना क्या, ग्रस्तों के लिए मना कर दिया। ये संस्थान विचय धर्म ध्यान नहीं कर सकता, इस धर्म ध्यान को ध्याने के लिए मुनि बनना पड़ेगा। एक धर्म ध्यान ऐसा है जो ग्रस्त कर ही नहीं सकता, वो मात्र मुनि महाराज कर सकते हैं। धर्म ध्यान है संस्थान विचय छठे सातवें गुण स्थान से शुरू होता है, क्योंकि उसे दुनिया में जो भी चीजें हैं सब चीजें ठीक है, जो भी चीजें तुम नहीं कर पाओगे। महाराज जी कांटा ठीक नहीं है, जहर ठीक नहीं है, बिच्छू ठीक नहीं है, सांप ठीक नहीं है, कितनी चीजें हैं जो तुम कह दोगे, तुम ग्रस्त हो, तुम ग्रस्त हो, तुम हर चीज को ठीक कह ही नहीं सकते। आप देख लीजिए, क्या आप अपने मन को तोड़ लें, तत्व चिंतन करें, क्या संसार में जो कुछ भी है सब ठीक है, सब ठीक है? बीमारी है तो बोलो ना ठीक है, चोर है तो बोलो ना ठीक है, हिम्मत हो तो बोलो है? आमा वाले बैठे हैं के पीछे, कैलाश जी चोरी हो जाए तुम्हारे यहां बोलो, बोलो क्या बोलना है, मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा है, नहीं निकल। मौत आ जाए, अरे महाराज जी नाम ही क्यों ले रहे हैं आप, ऐसी गंदी चीजों का नाम ले लेते हम लोग कांप जाते हैं, नहीं कह सकते यार। चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, छायक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, संसार में जो कुछ भी है वह सब ठीक है। जिसने भी ये संसार को बनाया, चाहे कर्मों ने, चाहे प्रकृति ने, चाहे भगवान ने, जो कुछ भी हो, बस प्रकृति ने बनाया या भगवान ने बनाया या कर्मों ने, बस तुम्हें क्या कहना है, ठीक है। भगवान ने बनाया है, इस सृष्टि की एक एक चीज भगवान ने बनाई, हिम्मत हो तो कह सको ठीक है, बहुत अच्छा है। प्रकृति ने बनाई है, जैनी लोग कह रहे तीन लोक में किन्हू न करे न धरे को षड द्रव्य मई न हरे को, तीन लोक में जो कुछ भी है सब सब कुछ ठीक है। मुनि महाराज कह सकते हैं सब कुछ ठीक, बीमारी बनाई ठीक, कोई नुकसान नहीं, रोग परिचय उसमें भी हम कर्मों की निजरा कर लेंगे, भेद विज्ञान, शेर चीते बनाए ठीक है, कोई बात नहीं, वो मुझे भक्षण करेंगे ठीक है, मैं ध्यान में बैठ जाऊंगा केवल ज्ञान प्राप्त कर लूंगा ठीक है। सुकौशल महाराज ने नहीं कहा ये शेर तू बेकार है, उसने कहा ठीक है, हर चीज ठीक है। किसी भी दृष्टि पर नजर डालो, किसी भी दृष्टि पर, कोई चीज बुरी नहीं है, कोई चीज गलत नहीं है, किसी चीज पर ये मत कहना
यह वस्तु प्रकृति में नहीं होना चाहिए। जो है वो है, जो है वो है, उस पर आपको राइट का निशान लगाना है तो आप संस्थान विचय धर्म ध्यान कर सकते हो। ग्रस्तों ने कहा, कई लोग, महाराज हम संस्थान विचय धर्म ध्यान क्यों नहीं कर सकते? संस्थान विचय धर्म ध्यान में क्या होता है? तीन लोक का चिंतन करना पड़ता है। यहाँ सिद्धशिला है, यहाँ सर्वार सिद्धि है, यहाँ स्वर्ग है, यहाँ विमान है, यहाँ स्वधर्म रहता है, यहाँ मेरु है, ये पांडुक शिला है, ये जम्बू द्वीप है, असंख्यात द्वीप है, ये नरक है, ये निगोद। जैसा तीन लोक में है वो सारा का सारा वर्णन आपको चिंतन में लाना है। महाराज ये तो हम कर लेंगे, चिंतन में लाने में क्या बाधा है? कह दूंगा कि सिद्धशिला है, कह दूंगा मोक्ष है, कह दूंगा कि स्वर्ग है, कह दूंगा नरक है, कह दूंगा कि सात राजू नीचे नरक है। आप लोग कहते भी हो, बोलो नरक कितने हैं? सात। तो महाराज हम भी संस्थान विचार धर्म ध्यान हो गया? नहीं, चिंतन करने का नाम धर्म ध्यान नहीं है। तीन लोक के लक्ष्य का, तीन लोक का चिंतन करते हुए आर्थ ध्यान भी हो सकता है, आर्थ ध्यान भी हो सकता है, रौद्र ध्यान भी हो सकता है, तीन लोक का चिंतन करते हुए। कैसे? स्वर्ग अच्छा है, स्वर्ग मिल जाए तो मजा आ जाए। कौन सा आ गया? क्यों भाई, स्वर्ग मिल जाए तो मजा कैसे आ जाएगा? अरे महाराज जी, वहाँ बहुत आनंद है, पंचेंद्रियों के विषय हैं, हिंसानंद, चौर्यानंद, आनंद आ गया। स्वर्ग अच्छा है, ये भेद तुमने डाल दिया रौद्र ध्यान। फिर नरक का चिंतन करो, अरे नरक नहीं चाहिए, नरक नहीं चाहिए, डर गए ना, आर्थ ध्यान। चिंतन करने गए थे संस्थान विचय धर्म ध्यान का, और वहां के दुखों का वर्णन सुनकर तुम्हारी आत्मा कांप गई, आर्थ ध्यान हो गया, कहां रहा धर्म ध्यान? अब वे मुनिराज कर सकते हैं जो स्वर्ग और नरक में कोई भेद नहीं करते। बोले स्वर्ग सातावेदनी कर्म का फल है, नरक असातावेदनी कर्म का फल है, दोनों कर्म हैं, दोनों पर हैं, दोनों पुद्गल हैं, नर नारक आदि पर्यायों में कोई भेद नहीं। पूज्यवर जयसेन स्वामी समय सार की टीका में लिखते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। अर्घावतारण असी प्रहारण मैं सदा, तलवार में और पूजा में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। एक तलवार मार रहा, एक फूल आरती उतार रहा, दोनों में कोई अंतर नहीं। एक ने सांप डाल दिया गले में, एक ने सांप उतार दिया गले से, एक ने सांप डाला गले में, चीटियां हो गई, सारी रात छलनी कर दिया, और एक भक्त ने आकर सुबह उठा के अलग कर दिया। हिम्मत हो तो दोनों में एक दृष्टि रख सको। ग्रस्त लोगों, एक ने सांप डाला है, जिसकी बलोदर रात भर क्या हुआ, चीटियां, पूरा शरीर छलनी कर दिया, और एक ने आकर के सुबह भक्त ने सांप हटाया, चीटियां हटाई, उपसर दूर कर दिया। किस ग्रस्त की हिम्मत है कि दोनों को एक दृष्टि से देखे, एक सा व्यवहार करे? ग्रस्त की बस की बात है, ग्रस्त कभी ये कर ही नहीं सकता। असंभव है भेद करे। ये किया है यशोधर महाराज, मुनि महाराज ने दोनों को कहा तथास्तु, किंचित मात भी अंतर नहीं किया, एक दृष्टि रख सकता है संस्थान विषय, एक दृष्टि रख सकता है साधु, एक दृष्टि। तुम नहीं देख पाओगे ग्रस्त में,
साधु स्त्री को एक दृष्टि से देख सकता है, बस एक दृष्टि, दो दृष्टि नहीं। तुम्हारे घर में दो दृष्टि आ गई, हमारी दृष्टि में न माँ है, न पत्नी है, न बहन है, एकमात्र स्त्री पर्याय को धारण करने वाली एक जीवात्मा है। और ऊपर वाले महाराज जो थोड़े से व्यवहार में होंगे वो कहेंगे ठीक है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, इससे ज़्यादा मेरा कोई संबंध नहीं है, इससे ज़्यादा मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ, इससे ज़्यादा उनको अनुभव में भी नहीं आएगा, इससे ज़्यादा उनके मन में भाव ही नहीं आएगा, विशेषण नहीं आएगा, बस आएगा स्त्री ये बैठी है, पुरुष से बैठे, इससे ज़्यादा कल्पना भी नहीं होगी मुनि महाराज, कल्पना भी मन में भी भाव नहीं आएगा कि इससे आगे भी कोई चीज होती है, बस यहां तक साधु जाएगा। साधु की दृष्टि, साधु का मन, साधु की आंखें, साधु का विचार इतना भेद कर देगा। पर्याय दृष्टि है ना, पर्याय दृष्टि है, अब पर्याय पर दृष्टि चली गई, तुम पुरुष हो, ये स्त्री, तुम पैर छुओगे मैं नहीं हटाऊंगा, ये छूओगे तो मैं हटा लूंगा, इसका अर्थ है कि मैंने भेद तो कर ही दिया है ना, है तुम आए तो भैया वृत्ति करा ली, माला आई तो नहीं करें, शाम हो गई तो तुम बैठे रहे हो, महिलाएं बाहर निकलो, समय हो गया, इसका अर्थ है कि दृष्टि में भेद तो हो गया। यहाँ तक मुनि महाराज जा सकते हैं, यहाँ तक मुनि को भेद करना ही पड़ेगा। यदि मुनि महाराज चर्या में हैं, प्रवृत्ति में हैं, व्यवहार में हैं, तो ये भेद के बिना मुनिराज जी नहीं सकेंगे, चर्या का पालन कर नहीं सकेंगे, उनके व्रत पल नहीं सकेंगे, धर्म की प्रभावना हो नहीं सकेगी। पुरुषों के समान यदि मैं स्त्रियों से व्यवहार करने लग जाऊं, हमारे में कोई विकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बोलो समाज में प्रभावना होगी कि अप्रभावना है? एक बार एक व्यक्ति ने कहा था, बोले महाराज जी आप साधु लोगों को क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या भेद है इनमें, स्त्री अलग है पुरुष अलग है, पुरुष अभिषेक कर सकता है स्त्री नहीं कर सकती, आप साधुओं को इनसे क्या लेना देना है? कि मुझे तो कोई लेना देना नहीं, मैं तो कभी स्त्री पुरुष में भेद करते ही नहीं। बोले महाराज जी देखो स्वच्छ झूठ मत बोलो, आप भेद करते हो सबसे ज्यादा आप ही करते हो। मैंने कहा भैया मैंने तो कभी भेद किया ही नहीं। बोले करते हो, हम पैर छूते से कोई बात नहीं, हमारी पत्नी हमारी महिलाएं छूती हैं तो आप पैर दूर कर लेते हो, और हम भैया वृत्ति करते हैं तो आप महिलाओं से भैया वृत्ति क्यों नहीं कराते? मैंने कि मैंने तो कभी मना किया नहीं। मैंने तो कभी मना किया नहीं, मेरे लिए तो सब बराबर, मुझे तो क्या लेना, क्या स्त्री है क्या पुरुष, क्या फर्क पड़ता है? बोले महाराज जी देखो अब आप कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी हंसी हंसी सांची हो जाए। मैंने कि सुधा सागर है धमकियों से डरता नहीं है और धमकी देता भी नहीं है, धमकी से डरता नहीं है और धमकी देता भी नहीं है, और ना मैं कुछ कह रहा हूं। मैंने क्या कह दिया, मुझे तो कोई विकल्प नहीं, मुझे तो क्या भेद। महाराज जी फिर सोच लो, मैं अभी अपनी पत्नी को बुलाता हूँ, एक तरफ वो भैया वृत्ति करेगा और एक तरफ मैं करूंगा। मैंने कहा किसको डरा रहे हो, पत्नी से तुम डरो, मुझे डरा रहे हो क्या? आप लोगों का वैराग कच्चा है, आप लोग ऐसे हैं इसलिए स्त्री पुरुष का भेद अलग करते हो, क्योंकि आपको डर है कि हम भ्रष्ट हो जाएं। और जिसका वैराग पक्का होता है वो नहीं डरता। मैंने कि मेरा वैराग तो पक्का है, मेरा गुरु पक्का है, मेरी दीक्षा पक्की है, मेरा वैराग पक्का है, तो फिर महाराज हो जाए। मैंने कि मैं मना कब कर रहा हूँ, वो तो आ गया था। बोले महाराज आज हो ही जाए, आज
हो जाए दुनिया महाराज वीडियो बनेगी सबको देखेंगे, देखो महाराज जी दोनों से भैया आवृत्ति करा रहे हैं। मैंने कि हाँ मैं तो वीडियो से बस ही नहीं रहता, हमारे साथ तो 24 घंटे वीडियो ही चलते हैं, ये वीडियो बंद हो जाए तो तुम्हारी आंखें और रूपी वीडियो बताओ मैं निकलूं और तुम ना देखो, बोलो मुझे कितने लोग देखते हैं एक साथ, हजारों वीडियो लगे। मन के रुको, फोन करने के पहले मेरी एक जवाब दो, बाद में बुलाना, मैं भेद करूंगा या तुम, मेरे प्रश्न का और जवाब दे देना। आप रात को 10 बजे मेरी भैयावृत्ति करते हैं, महिलाएं भी करेंगे रात के 10 बजे 9 बजे एक अकेला पुरुष महाराज की भैयावृत्ति कर सकता है कि नहीं, बोलो अकेले? डॉक्टर साहब तुम अकेले आ सकते हो कभी? कोई समाज से कोई विरोध तो नहीं? डॉक्टर साहब महाराज के कमरे से अकेले क्यों निकले? पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पास तो नहीं हो जाएगा? आपका मंत्री पद खतरे में तो नहीं जाएगा? हाँ नहीं जाएगा मतलब। अब देखना किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा साहब आप ही बताएं, रात के 10 बजे 12 बजे कोई अकेली स्त्री महाराज के कमरे में से निकले, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप बोलो ना सब लोग मेरे भक्त लोगों, क्या प्रस्ताव पास होगा, अच्छा कि बुरा क्या फर्क पड़ता है, पुरुष निकला के स्त्री निकली क्या फर्क पड़ता है, दोनों बराबर करो, दोनों बराबर क्या मतलब है, क्या चर्चा हो जाएगी? उन्होंने कहा महाराज जी ये तो अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा जब भेद नहीं है तो अकेले में, ये अकेले में कर सकता है वो अकेले में नहीं कर सकती, ये भेद क्यों कर रहे हो आप जब दोनों? इतना निकट बैठ के एक पुरुष भैयावृत्ति कर रहा, पैर दबा रहा है, सोचो इतने निकट बैठ के अकेले में कोई महिला भैयावृत्ति कर रहे हैं, सबकी दृष्टि क्या होगी, अच्छी के बुरी? बहुत बुरी, बहुत बुरी होगी। और काश भैयावृत्ति करते समय तुम्हारा गमछा मेरे ऊपर गिर गया, और थोड़ा सा खुला कर दो, गमछा गिर गया और सबने देख लिया, कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ, और स्त्री का पल्लू गिर गया तो थोड़ा आवाज जोर से करो, मैंने कि बोलो जल्दी क्या है, और काश तुम्हारी बेटी तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बहन कभी ऐसी स्थिति में अकेले में भैयावृत्ति करके बाहर निकले, तुम बाहर बैठे हो क्या होगा? बोले महाराज आग लग जाएगी। मैंने कि बस तुम्हारे में आग न लग जाए इसलिए हम दोनों को अलग अलग करते हैं, हमें तो क्या स्थिति पड़ी है, यद्यपि शुद्धम लोकविरुद्धम ना करणीयम ना अचल, शुद्ध है लेकिन लोक के विरुद्ध है, मर्यादा के विरुद्ध है, ये दृष्टियां सबकी एक नहीं होती है, अनेक दृष्टि से एक छुल्लक छुल्लकानी का आता है ना अपने, दोनों ग्रस्त अवस्था के भाई बहन थे, दोनों शादी मिल गए और दोनों के जब मिले तो लोगों ने नाना प्रकार की दृष्टियां की, नाना प्रकार की, क्या करोगे इस दृष्टि को? मैंने कहा इस तुम्हें देखना है, संसार में भेद है तो भेद स्वीकार करना ही पड़ेगा, भेद है जब दोनों को अलग अलग बनाया गया है तो दोनों के नियम भी अलग अलग ही, दोनों की मर्यादाएं भी अलग अलग ही, जब दोनों हैं तो दोनों भेद संसार ने बनाए हैं, समाज ने बनाए हैं, प्रकृति ने बनाए हैं, तो इन दोनों भेदों को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे संसार में जी नहीं पाओगे, संसार में इज्जत नहीं पा पाओगे, संसार तुम्हें रहने नहीं देगा।
इसलिए जब साधु व्यवहार में आता है तो कितना व्यवहार कर पाया, कितना व्यवहार कर पाया, कितना भेद कर पाया, तुम पुरुष हो और ये बस इससे आगे नहीं जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, इससे आगे का भाव भी नहीं आएगा, इससे आगे के परिणाम भी नहीं आएंगे, बस स्त्री है ये पुरुष है, क्योंकि हमें दोनों का भेद करना ही पड़ेगा, शरिया का पालन करना, बस इससे आगे गति नहीं है। इससे और बड़े महाराज होंगे जो हमसे भी बड़े होंगे, जो हमसे भी बहुत बड़े तत्व चिंतक होंगे, वो इस भेद को भी मिटाएंगे, जिनका श्रावकों से भी संबंध नहीं है, जो श्रावकों से भी भैयावृत्ति नहीं कराते, जो श्रावकों के बीच में भी नहीं रहते, श्रावकों से भी मतलब नहीं, बाहुबली जैसे जंगलों में रहते, वो स्त्री और पुरुष का भी भेद नहीं करेंगे, वो कहेंगे ये शव श्रावक है, मानव है, मानव। अभी पर्याय दृष्टि है, लेकिन स्त्री पुरुष का भेद नहीं करेंगे, नीच ऊंच का भेद नहीं करेंगे, ये सब क्या है, मानव है। मानव में पुरुष ही आते कि स्त्रियां भी आती हैं, मानव में दोनों आते। मनुष्य गति नाम कर्म का उदय दोनों का है, जो समाज के बीच में नहीं रहते हैं, जो श्रावकों से भी मतलब नहीं रखते हैं, वो सोचेंगे ये कौन है, यहां मानवों की सभा है, मानव जाति है। और बड़े महाराज होंगे, और बड़े महाराज होंगे, बाहुबली जैसे, तीर्थंकर जैसे, और बड़े महाराज होंगे, वो कहेंगे नहीं, मानव तो पर्याय है, मनुष्य गति तो पर्याय है, ये शव जीव हैं। अब मानव में भेद था कि नहीं, पशु अलग हो गए, देव अलग हो गए, नारकी अलग हो गए और मनुष्य। अब और बड़े जो महाराज हैं वो कहेंगे नहीं, ये शव जीव हैं। अब जीव में पशु भी आएंगे कि नहीं, कीड़े मकूड़े, ये सब जीवों की सभा है, जीव का चिंतन करेंगे, वो देखेंगे तुम्हारी तरफ, लेकिन उनको ना तो पुरुष दिखेगा, ना स्त्री दिखेगी, ना मनुष्य दिखेगा, क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, ये सब जीव हैं। देखेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, ज्ञान का विषय बना रहे हैं, लेकिन उनको ना तो पुरुष आया ना मनुष्य आया, ये जीव है। अब वो तुम्हें देख करके जीव का चिंतन कर रहे, जीव है, ज्ञान दर्शन स्वभावी है, महिला को देख के महिला भाव नहीं आया, ये जीव है, ये भी ज्ञान दर्शन स्वभावी है, पशु को देख के भाव आया, ये भी ज्ञान दर्शन स्वभावी है, कीड़े को देख कर स्वभाव आया, ये भी ज्ञान दर्शन स्वभावी है, पेड़ को देख कर भाव आया, ये भी ज्ञान दर्शन स्वभावी है, कुत्ते को देख कर भाव आया, ये भी ज्ञान दर्शन स्वभावी है, शुकर को देख के भाव आया, ये भी ज्ञान दर्शन स्वभावी है, नरक को देख के भाव आया, ये भी ज्ञान दर्शन स्वभावी है, कुछ नहीं, सब जीव है। और बड़े महाराज आएंगे, एक और हम बड़े महाराज जो शुद्ध उपयोग में लीन रहते हैं, नहीं, शुद्ध उपयोग में जब मुनिराज लीन रहते हैं, ये जीव नहीं, ये जीव नहीं, ये मात द्रव्य है, क्योंकि जीव भेद कर रहा है, अजीव अलग है और जीव भेद कर दिया ना, पुद्गल अलग है और जीव अलग है, दो भेद कर दिया, जीव अजीव भेद कर दिया, अभी शुद्ध उपयोग नहीं होगा, अभी केवल ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि भेद कर रहे हैं, जीव को पकड़ रहे हैं, यानी अजीव का बहिष्कार कर रहे हो आप, यानी आपकी दृष्टि में जीव अजीव में भेद है, इस भेद को मिटाओ, इस भेद को मिटाओ, तुरंत शुद्ध उपयोगी महाराज कहेंगे ये द्रव्य है, क्या है, ये द्रव्य है। अब बोलो पुद्गल भी द्रव्य है कि नहीं, जीव भी द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश काल, बस द्रव्य पर टिक जाएंगे, ये सारी दुनिया में क्या है,
द्रव्य है, और द्रव्य कैसा है, सत लक्षण वाला है, सत लक्षण वाला, कुछ नहीं, महासत्ता पुद्गल भी आ गए, सब कुछ उसमें समा गया, सारी पर्याय खत्म। इसको बोलते द्रव्य दृष्टि, निश्चय दृष्टि, सब कुछ कुछ सब खत्म कर दिया, द्रव्य है बस, और द्रव्य का लक्षण सत द्रव्य लक्षणम, बस सत को पकड़ेंगे, द्रव्य को पहचानेंगे, इससे आगे कोई चिंतन नहीं, बस द्रव्य है, उसमें पुद्गल भी आ रहा है, धर्म अधर्म आकाश काल सब आ रहा है, द्रव्य है। महासत्ता बोलते से शास्त्रीय भाषा में ये महासत्ता कहलाती है। जब ज्ञानी महामुनिराज महासत्ता पर जाते हैं, सब खत्म हो जाता, क्या स्वर्ग क्या नरक क्या मोक्ष क्या संसार, कुछ नहीं, बस सब है, है है है, बस है, ना तो कहने ही मत, ना तो कहने ही मत, सब कुछ है, बस है 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 है, ना नहीं, अच्छा बुरा नहीं है, और जो है वो सब ठीक है। अब इतनी दृष्टि हम भी फेल हो गए, हम भी छोटे महाराजों में आएंगे, हैं बड़े महाराज हमसे और बड़े हैं, उनसे भी बड़े एक और हैं, उनसे भी बड़े एक और हैं, और एक और हैं, वो सबसे बड़े महाराज कहलाते हैं, जिन्हें आप लोग अरहंत परमिष्टि बोलते हैं, वो तो द्रव्य और सबसे परे होकर मात ज्ञायक स्वभावी बन जाते हैं, ना उनको ये पता है कि ये द्रव्य है कि पर्याय है कि गुण है, वो कहते बस है, बस झलक रहा है, बस है। उनको कहा स्नातक नाम के मुनिराज, अब ऊंचे से नीचे उतरते आओ, ऊपर से नीचे आते जाओ, क्या तुम अरहंत जैसे ज्ञायक बन सकते हो, नहीं, शुद्ध उपयोगी नहीं, मानव जाति तक थोड़ा थोड़ा, स्त्री पुरुष तक राष्ट्र सीमा मुनिराज की, आगे संबंध मत बनाना, आगे दृष्टि मत डालना, यहां तक सुपयोगी मुनिराज को छूट दी गई है कि तुम भेद करना ये पुरुष है ये स्त्री है, भेद करना ये बालक है ये जवान है ये वृद्ध है, भेद करना ये मकान है ये है, भेद करना ये मोटर है ये साइकिल है, भेद करना, जहाँ तक संबंधों का भेद मत करना, संबंधों का भेद यदि किया बस मुनि पद खत्म हो जाएगा, अभी तक संबंध नहीं है, स्त्री का किसी से संबंध नहीं होता, पुरुष का किसी से संबंध नहीं होता, संबंध नहीं होता, ये हैं, पुरुष है स्त्री है, बात खत्म है, दुनिया में है, सारी दुनिया में, यहां तक तुम्हारी बीत रखता मुनि व्रत कायम रहेगा, लेकिन तुम जब संबंध बनाओगे, यहां तक कोई संबंध नहीं होता, स्त्री पुरुष का कोई संबंध नहीं होता, संबंध होता है यह मेरी, बस ये शब्द जो खतरनाक आया, ये मेरा, बस यहां से गृहस्थी शुरू हो जाएगी, और मेरे में भी तुम्हारे मन में भाव आया, ये कौन, जो अभी अपन ने प्रश्न के प्रारंभ में कहा था, क्या जो दृष्टियां मैंने दी हैं अभी आप ग्रस्त बना सकते हैं, नहीं बना सकते, इसलिए संस्थान विषय धर्म ध्यान ग्रस्तों को मना कर दिया कि ये गृहस्थी मिट जाएगी, इनकी बर्बाद हो जाएंगे, ये जेल में सड़ेंगे, परिवार टूट जाएगा, जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। यदि संस्थान विचय धर्म ध्यान जिस दिन ग्रस्त कर लेगा, उस दिन तुम्हारी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी, तुम बर्बाद हो जाओगे, सब कुछ मिट जाएगा, कोई संबंध ही नहीं रहेगा तुम्हारे साथ, तुम किसी के साथ नहीं, तुम्हारे साथ कोई नहीं, जैसे हम साधुओं का, संपूर्ण संसार खत्म। उनका संस्थान विचार
से ग्रस्तों को हटा दो। तीन धर्म ध्यान बचे आपके, आज्ञा बचे, विपाक बचे, अपाय बचे। प्रकृति ने तो छूट दे दी जो कि मैं पाबंदी नहीं लगाऊंगा, मैं रिजर्व बैंक हूं, मैंने तो नोट छाप दिया छाप दिया। इस नोट का कौन क्या उपयोग करेगा, रिजर्व बैंक कहता जो चाहे करो। रिजर्व बैंक कहता है तुम्हें जो मर्जी पड़े करो, मैं कोई रोक टोक नहीं, तुम्हारी मर्जी, मैंने छाप के तुम्हें दे दिया, तुम्हारी मर्जी पड़े सो करो। ये घोषणा होते ही, मैंने पहले कहा पहली घोषणा में धर्म की जरूरत नहीं थी, दूसरी घोषणा जैसे प्रकृति ने की, जैसे रिजर्व बैंक ने की, मैंने नोट छाप दिया, इसका जो उपयोग करना है करो। अब बीच में धर्म आ गया, गुरु आ गए, माता पिता आ गए, गार्जियन आ गए, इसको अब सारी दुनिया के जितने धर्म आत्मा हैं तुम्हारे हितैषी हैं वे सब एक साथ टूट पड़ेंगे, क्योंकि बैंक ने घोषणा कर दी है, मैंने तो नोट बाजार में दे दिया, किसको नोट से क्या करना है तुम्हारी मर्जी पड़े सो करो। बस अब ब्रह्मांड कांप गया, अब धर्मात्मा कांप गए, अब सज्जन पुरुष कांप गए, ये खतरनाक घोषणा हो गई। मैंने तो माचिस की काड़ी बना दी, इसका उपयोग क्या है, क्या कह दिया, जो चाहे करो, अब धर्म कांप गया, जो चाहे करो। हाँ मैं कुछ नहीं बोलूं, प्रकृति तुम्हारे पास माचिस है, तुम्हें जो चाहे करो, आग लगाओ चाहे दीप जलाओ। प्रकृति कहती मैं नहीं रोकूंगी, मैंने तो घोषणा कर दी, चाकू बनाया है, बना दिया, तुम्हारी जो मर्जी पड़े सो करो, सब्जी काटो तो, नाक काटो तो, मर्डर करो तो, तुम्हारी जो मर्जी पड़े सो करो। अब यहां पर धर्म कहता है बीच में रुको, प्रकृति माँ की घोषणा है जो चाहे सो करे, बोले नहीं, प्रकृति माँ के इस प्रस्ताव को धर्म खारिज करता है, ये गलत है माँ, ये प्रस्ताव गलत है माँ, पर मेरा प्रस्ताव है। धर्म कहता है यदि यही प्रस्ताव तुम्हारा है तो मैं तुम्हारी प्रकृति के विरुद्ध में प्रस्ताव पास करता हूं। प्रकृति के विरुद्ध में प्रस्ताव पास करता है धर्म, क्योंकि धर्म वो चीज है जो असत्य के पक्ष में किसी से भी लड़ सकता है। हनुमान जी धर्म का एक प्रतीक माने जाते हैं, रामचंद्र के विरुद्ध में खड़े हो गए लड़ने को, जब लव कुश और श्री राम का युद्ध हुआ, हनुमान जी लव कुश की तरफ थे, रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं, हनुमान तुम राम के विरुद्ध में लड़ोगे, तुम दुश्मन के पक्ष में हो। बोले मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं धर्म के पक्ष में हूं। लक्ष्मण भैया तुम गलत सोच रहे थे कि मैं श्री राम के पक्ष में था, नहीं था, मैं धर्म के पक्ष में था और आज भी धर्म के पक्ष में हूं, आज भी धर्म के। धर्म जहां रहेगा वहां हनुमान रहेगा, धर्म का पक्ष रहेगा, जहां धर्म है वहां है मैं। इस समय धर्म इन बालकों के पास है और आपके पास धर्म नहीं है, आप छत्री हैं, नाबालिग पर कभी छत्री हाथ नहीं उठाता। आप बिना समझे, बिना सोचे, बिना विचार किए बालकों की चुनौती स्वीकार कर ली, मैं लड़ूंगा इनके सामने, ये बालक हैं, मैं बालक, ये नाबालिग हैं, मैं बालक हूं। नाबालिग का कोई ना कोई पक्ष लेता है, कोई नहीं ले तो सरकार लेती है। नाबालकों पर कोई अत्याचार हो जाए तो कौन वकील करता है उनका, सरकार करती है। सरकार लड़ेगी बालक, सरकार बालक है, मैं बालक हूं, बच्चे अनाथ हैं, धर्म के पक्ष में चले गए। बाद में सब रहस्य आपको मालूम है। यदि हनुमान जी उस समय भी राम के मोह में
राम के पक्ष में होते तो क्या होता बोलो, अनर्थ हो जाता। इसलिए जो महान आत्माएं होती हैं वे बड़ा छोटा नहीं देखते, वो देखते हैं धर्म किस तरफ है, धर्म किस तरफ है। माँ है तो क्या हुआ, यदि माँ गलत मार पर है तो मार पर गलत है तो अधर्म है, पक्ष किसका है। धर्म ने प्रकृति माँ के विरुद्ध में प्रस्ताव पास कर दिया, प्रकृति हिल गई, तुम मेरे बेटे हो करके, मैं प्रकृति हूं जगत माता हूं, मेरे विरुद्ध में प्रस्ताव पास कैसे किया, मेरे प्रस्ताव को खारिज कैसे कर दिया। हाँ माँ मैं धर्म हूं, माँ के विरोध में भी खड़ा हो सकता हूं क्योंकि मैं धर्म हूं, मैं भगवान के विरोध में भी खड़ा हो सकता हूं क्योंकि मैं धर्म हूं, मैं प्रकृतियों के नरम नियम के विरुद्ध खड़ा हो सकता हूं क्योंकि मैं धर्म हूं। दूसरे में किसमें ताकत है जो प्रकृति के विरुद्ध में खड़ा हो जाए, उसका नाम है धर्म। धर्म हो सकता है, रिजर्व बैंक का विरोध कौन कर सकता है, धर्म। सरकार का विरोध कौन कर सकता है, धर्म। और धर्म अनेक रूप से आते हैं, कौन कर सकता है। प्रकृति के द्वारा जो वस्तुएं दी गई हैं उनके उपयोग करने की जो खुली छूट दी गई है, इस प्रस्ताव का विरोध कर सकता है, धर्म। धर्म कितने के पास है, एक धर्म वो है जो माँ बाप के पास है, एक धर्म वो है तुम्हारे घर में है, एक धर्म वो है जो मंदिर में है। अब जितने धर्म है सब आ जाएंगे, एक साथ टूट पड़ेंगे। रिजर्व बैंक ने घोषणा कर दी, नोट मैंने बाजार में दे दिया, जिसको जो उपयोग पड़े सो करो। अब कितने धर्मात्मा टूट जाएंगे, चलो रे अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। रिजर्व बैंक ने छूट दे दी, जिसको जो उपयोग करना है करे। माचिस की बनाने वाली कंपनी ने कह दिया, जिसने जो उपयोग करना है करे। तलवार बनाने वाले ने छूट दे दी, जिसको जैसी चलाना चलाओ। अब देखो पुलिस दौड़ेगी, सेना दौड़ेगी, माँ बाप दौड़ेंगे, हम गुरु भी दौड़ेंगे। अरे अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। घोषणा क्या हो गई, जिसको जो चाहे सो करो। माँ बाप पहले हाथ पकड़े, बेटा क्या कर रहा है। बोले माँ पिताजी आपने सुना नहीं, मेरे पास नोट है और रिजर्व बैंक ने कहा है तुम जो उपयोग करना चाहो करो, तुम्हारी छूट है। माँ बाप हाथ पकड़ लेगा, रिजर्व बैंक के प्रस्ताव के विरुद्ध में जाते हो। हाँ मैं तेरा पिता हूँ, रिजर्व बैंक का प्रस्ताव। बोलो रिजर्व बैंक का ये प्रस्ताव है कि नहीं, नोट का क्या उपयोग करना ये किसी कानून में है, नहीं किसी कानून में नहीं। रिजर्व बैंक कहने सर कोई कानून नहीं, छपते समय कोई भी एक दावा नहीं करता इस नोट का यही उपयोग होगा। कितने प्रकार के नोट छापना पड़ेंगे उनको, फिर शराब पीने वाले नोट अलग, दान देने वाले नोट अलग, मकान बनाने वाले नोट अलग, कितने प्रकार के बाजार में नोट चलेंगे। व्यवस्था बनेगी कि बिगड़ेगी, डॉक्टर साहब को नोट देने वाला अलग, दवाई का नोट अलग, अनर नहीं बन सकती। लेकिन जैसे ही घोषणा हुई, सबसे पहले माता पिता आए, मैं रिजर्व बैंक के द्वारा छूट दी गई का पाबंद करता हूं। ओहो गजब महानुभाव, रिजर्व बैंक के द्वारा दी हुई छूट पर यदि कोई स्टे लगा सकता है तो उसका नाम है माता पिता। रिजर्व बैंक के द्वारा छूट दी गई है, तुम्हें जो चाहे उपयोग करो। वहां के निर्णय ने रिजर्व बैंक से भी बड़ा यदि दुनिया में कोई है कोर्ट, तो उसका नाम है माता पिता। माता कहते बेटा, पिता कहता बेटा, रिजर्व बैंक ने छूट दी है, मैं तेरा बाप हूं। इस नोट को तू हर किसी कार्य में खर्च नहीं कर सकता, किस में खर्च करेगा मैं निर्णय करूंगा, क्योंकि मैं रिजर्व बैंक से भी बड़ा हूं।
माता पिता का धर्म बीच में आ गया क्योंकि वो माता पिता थे। मैं करूंगा निर्णय, ये जो रुपया है तुझे किस में खर्च करना है, इसके अलावा खर्च किया तो ध्यान रखना मैं तुझे दंडित करूंगा। जिन जिन में कार्यों में माता पिता पैसा खर्च करना चाहते हैं उनके अलावा तुम खर्च करोगे तो बोलो क्या होगा, दंड मिलेगा कि नहीं? थप्पड़ भी पड़ सकता है, डांट भी पड़ सकती है, और नहीं माने तो, और कोई बड़ा अनर्थ कर दिया तो घर से भी निकाले जा सकते हो, और भी ज्यादा किया तो मैं तेरा बाप नहीं तू मेरा बेटा नहीं। हुआ है, ऐसा भी हुआ है। इतनी बड़ी अदालत, रिजर्व बैंक से बड़ी, सरकार से भी बड़ी, कुदरत से भी बड़ी, माता पिता की सरकार। लेकिन बस इतना फर्क है, माता पिता माँ बेटे की सरकार है, दुनिया की नहीं। वो सरकार सारी दुनिया की है लेकिन माता पिता किसकी सरकार है? माँ बेटे की सरकार है। मुखिया किसकी सरकार है? अपने घर की सरकार है। वहां आकर के तुम्हें स्टे दिया जाएगा? नहीं कर सकते। माचिसकारी को तुम कुछ भी उपयोग करो, नहीं, दीप जलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। घर में चाकू है, पाबंदी है, सब्जी के अलावा कुछ उपयोग नहीं करोगे, किसी का मर्डर नहीं करोगे, अपना हाथ नहीं काटोगे, अपनी नाक नहीं काटोगे। चाकू है, ये इष्टे दिया माता पिता ने, और ज्यादा नहीं माने हो तो फिर इष्टे आएगा पुलिस से, पुलिस आ जाएगी, पुलिस कहेगी क्या बात है, बोले साहब सरकार से छूट हुई है, मैं कुछ भी कर सकता हूं नोट का। पुलिस कहेगी नहीं कर सकते हो। चाकू बनाने वाले ने कहा कुछ भी कर सकते हो इस चाकू से, पुलिस कहती है नहीं कर सकते, कोर्ट कहता है नहीं कर सकते, आपको दंड दिया जाएगा। अब निर्धारण किया किसने? कानून ने। देखो उसी सरकार उसी प्रकृति के नियम है, उनमें ही दो भाग हो गए। रिजर्व बैंक कहता है जो चाहे सो करो, और अदालत कहती है मैं इसमें स्टे देता हूं, जो चाहे सो करो, ऐसा नहीं होगा। यदि तुमने इस कार्य में पैसा खर्च किया, यदि ये कार्य तुमने चाकू से किया तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। चाकू का उपयोग मर्डर में किया, तुम्हारे लिए फांसी दी जाएगी, जेल दिया जाएगा, नहीं कर सकते। एक कानून छूट दे रहा है और एक कानून उस पर स्टे लगा रहा है। जो कानून स्टे लगा रहा है वो धर्म है। रिजर्व बैंक धर्म नहीं था, रिजर्व बैंक प्रकृति थी, रिजर्व बैंक एक माँ के स्वरूपी थी। धर्म है सरकार, कानून, अदालत, पुलिस, ये सब धर्म है। ये धर्म है, ये नहीं कहेंगे तुम्हें सब कुछ छूट है, नहीं इस तरीके से करो, ये नहीं कह सकते। कभी नहीं कहेगी अदालत कि तुम्हें जिंदगी जैसी जीना हो वैसे जियो, नहीं, ऐसी जियोगे ऐसी नहीं जियोगे, ऐसे चलाओगे गाड़ी ऐसी नहीं चलाओगे, इस चाकू माचिस की गाड़ी का ये उपयोग करोगे ये नहीं करोगे, ये निर्धारण करता है कानून अदालत। इसलिए कानून को आप धर्म भी कहते हैं। कानून का दूसरा नाम क्या है? बहुत छोटा सा उदाहरण दे दो, फादर इन लॉ। इसका सर्ग फादर इन लॉ, कानून का पिता। अब इसकी हिंदी करो, धर्म पिता। मदर मदर इन लॉ क्या हो गया? धर्म की माता। यानी इंग्लिश में उसे इन लॉ कहा, कानून कहा, और हमारी भाषा में होते थे मेरे धर्म के माता पिता है, धर्म के माता पिता है कानून। इसलिए कानून का दूसरा नाम है धर्म, जो तुम्हें स्वच्छंदता को रोकता है। और यदि तुम कानून से नहीं माने तो फिर हम गुरु लोग बीच में आएंगे, हम साधु लोग कहेंगे क्या कर रहे हो? बोले साहब बैंक से छूट है,
सब तरफ से छूट है, हम कुछ भी उपयोग कर सकते हैं। ये चाकू मेरा है, माचिस शिकारी मेरी है। धर्म कहता है मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। तो गुरु टेक टू ऑर्डर, इष्ट देता है कि तुम यह नहीं करोगे, टेक टू ऑर्डर, गुरु महाराज का आदेश है तुम ये नहीं करोगे। किस पर इष्ट हो गया? प्रकृति पर, रिजर्व बैंक पर गुरु ने इष्ट दे दिया। फर्क कितना है, गुरु शिष्य को ही इष्ट दे सकता है, दुनिया को नहीं। ये शिष्य की सरकार है, शिष्य की सरकार है। ऑर्डर दे दिया तुम नहीं खाओगे, भोजन है कभी भी खाओ, कभी भी खाओ, भोजन मना नहीं करता, प्रकृति मना नहीं करती, भोजन है कभी भी खाओ। गुरु इष्ट देता है, रात में नहीं खाओगे, प्रकृति मना नहीं करती, सब चीज खाने के लिए बनाई है। गुरु इष्ट देता है, यह नहीं खाओगे, यह खाओगे। सभी खाने योग्य चीजें हैं, खाने योग्य चीजें हैं, खाई जा सकती हैं, लेकिन गुरु इष्ट देता है, खाने योग्य है लेकिन तुम नहीं खाओगे। तुम मेरे भक्त हो, तुम श्रावक हो, तुम जैन हो, तुम मनुष्य हो, खाने योग्य वस्तु है तो सब खाने योग्य है, जो चाहे खाओ। नहीं, तुम मानव हो, यदि अभेद कर दो तो शुकर जो खाता है वो तुम खाओ, वो भी तो खाने योग्य है। खाने योग्य नहीं होता तो शुकर क्यों खाता? मानव जाति ने इष्ट लगाया, नहीं ये मैं मानव हूं या नहीं खाऊंगा। फिर मानव में भी तुम्हें फिर इष्ट लगाया रहता है, तुम जैन हो ये नहीं खाओगे, आलू प्याज सारी दुनिया खा रही तो तुम नहीं खाओगे क्योंकि तुम जैन हो। सारी दुनिया रात में खा रही, तुम नहीं खाओगे रात में क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो, तुम यह नहीं कर सकते। ये इष्ट लगा दिया गुरु ने अपने भक्त पर, प्रकृति के द्वारा, कानून के द्वारा। कानून ने इष्ट नहीं दिया था, कानून ने क्या, कभी भी रात में खा सकता है, दिन में खा सकता है, जो खाने योग्य चीज है वो खा सकता है। उन्होंने कहा नहीं, इससे बड़ा कानून से, कानून से बड़ा गुरु होता है जो अपने शिष्य को आदेश देता है, जो कानून से छूट है वो सारे कार्य नहीं करना। इससे बड़ी और इष्ट देती है माँ हम मुनियों को। कुछ कार्य ऐसे हैं जो करने योग्य हैं, भगवान का अभिषेक करने योग्य है कि नहीं करने योग्य, दीप प्रज्वलन करने योग्य है कि नहीं करने योग्य। अब दीप की बात कर रहा हूं, अभिषेक का जल कुएं से भरने योग्य है कि नहीं भरने योग्य, अष्ट द्रव्य से पूजन करने योग्य है कि नहीं करने योग्य, करने जो करने योग्य है, करने योग्य है। जिनवाणी में खुद लिखा है कि कर सकता है। जैसे ही मुनि महाराज की बात आई, जिनवाणी कहती तुम नहीं करोगे, अरे तुमने तो अभी एक से कहा कर सकते हो, अभी तो कहा उससे कि तुम अभिषेक करो, पूजन करो, दीप पूजन करो, ये करो वो करो, और हम पहुंचते क्या कह दिया, तुम नहीं कर सकते हो, तुम मुनि हो। अब देखना, एक ही मां भेद कर रही है, मैं भी उसी का बेटा, तुम भी उसी की बेटा। एक बेटे को कह दिया ठीक है करो, और एक को कह दिया मना है। ये सबसे बड़ी सरकार जिनवाणी माँ, हमसे भी बड़ी सरकार जो हमें रोकती है, तुम नहीं करोगे दीप प्रज्वलन, तुम साधु हो, तुम नहीं करोगे अभिषेक, तुम साधु हो, वो श्रावक है। भेद कर दिया, रोक दिया। और फिर आगे मैंने कहा था, यदि ध्यान में बैठ जाए तो फिर कहेंगे प्रवचन भी नहीं करोगे, बोलोगे भी नहीं, आंख भी नहीं खोलोगे, कुछ नहीं, अप्पा अप्पमी रहो, अपने आत्मा में स्थिर हो जाओ, प्रवचन तुम्हें नहीं करना है, तुम शुद्ध उपयोगी हो। मैं विहार करूं, नहीं करना है, बाहुबली बन के बैठ जाओ, केवल ज्ञान प्राप्त करना है, केवल ज्ञान प्राप्त करना है, तो ना प्रवचन देना है, ना आँख खोलना, कुछ नहीं करना, मात अप्पा अप्पम ही रहो। ये सारी स्थितियां
धर्म को लाना पड़ी। इसके लिए धर्म आया कि प्रकृति के बनाए हुए इस स्वच्छंद घोषणा को कहीं अनर्थ ना हो जाए, लोग इसका जो चाहे मर्जी से उपयोग ना कर लें। इसलिए माँ बाप बनाए, इसलिए पुलिस बनाई, इसलिए कानून बनाया, अदालत बनाई, इसलिए हम तुम्हारे गुरु बने और भगवान हमारे गुरु बने, इसलिए जनवाणी माँ की जरूरत है। जो चाहे उपयोग करना है तो ना माँ की जरूरत है, ना गुरु की जरूरत है, ना कानून की जरूरत है, स्वच्छता तो सब व्यक्ति कर सकता है। आज आपको समझ में आ गया होगा धर्म क्या चीज है, धर्म को हम क्या समझ रहे हैं। धर्म स्वच्छता को नकारता है जो स्वच्छता कानून ने दी है, प्रकृति ने जो दिया है वो सब देखने लायक नहीं है, क्योंकि तुम इतनी विशाल दृष्टि में, जो कुछ भी है हर वस्तु देखने के लिए है नहीं, इष्टे लगाता है। आप भी इष्टे लगाते, कितनी चीजें हैं जो आप इधर उधर देख करके देखते हो। क्यों भाई, जब देखने लायक है तो इधर उधर क्यों देख रहे हो। आप लोग भी कोई चित्र ऐसे होते हैं जिनको आप छुप के देखते हो, क्यों, जब देखने लायक है तो छुप के क्यों, ये कौन बोल रहा है। जब देखने लायक चित्र है तो ये छुप करके क्यों देख रहे हो, ये छुप करके देखने का कौन करा रहा है। ये है धर्म जो तुम्हें छुपने की कह रहा है, ये है माँ बाप का धर्म। मेरे मम्मी पापा ना देख ले कि मैं ये देख रहा हूं, कोई ना देख ले, कोई ब्लू पिक्चर है, पिक्चर काय के लिए बनाई गई, बोलो, देखने के लिए बनाई पिक्चर है, फिर छुप कर क्यों देखते हो, क्यों। पिक्चर बनी देखने के लिए है तो फिर छुप कर क्यों देखते हो। ये छुप करके देखना बता रहा है कोई धर्म है। जहां दुनिया में से धर्म खत्म हो जाएगा उसी दिन व्यक्ति कुछ भी देखेगा बोले देखने की चीजें देख रहा हूं, देखने की चीजें देख रहा हूं, उसी दिन धर्म खत्म हो जाएगा। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे वस्तु देखने की चीज है, पिक्चर देखने की चीज है, देख रहा हूं, समझ लेना आप पशु हो चुके हो, आपका पतन हो चुका है, आपकी दुर्गति निश्चित है, आपका अशुभ दिन आने वाला है। मात इतना, जो चीज देखने के लिए बनाई गई है मैं देख रहा हूं, हमें किसी का डर नहीं है। माँ बाप भी कहें तो कहने दे, पिक्चर है देखने के लिए बनाई गई, कानून भी कहेगा कि देखने के लिए बनी, देख रहा हूं। ध्यान रखना, माँ का भी थप्पड़ पड़ सकता है, और ये जवाब यदि तुमने पुलिस को दे दिया तो अब आप ही बोल दो भाई क्या होगा। बोले साहब पिक्चर देखने की चीज है, मैं देख रहा हूं, खुल्लम खुल्ला देख रहा हूं। पुलिस कहेगा थाने चल फिर बताता हूं क्या देखना है। देखने की चीज है, उस पर जो पाबंदी लगाई जाए उसी का नाम धर्म है, उसी का नाम धर्म है। अदालत में जाकर के तुम्हें दंड दिया, तुमने जवाब दी देखने की चीज थी वही देखी है मैंने, हाँ मैंने सुनने वाली चीज देखी हो, जो चीज सुनी जाती है उसको मैंने देखा हो, जो देखा जाता है उसको सुना हो, तो मैंने गलत किया है। लेकिन देखने वाली चीज को ही देखा है, कोर्ट कहेगा मैं धर्म हूं। धर्म कहता है जो जो चीज देखने लायक है वह सभी देखना है, ऐसा नहीं मैं तुम्हें धर्म श्रेष्ठ देता हूं तो मैं फलानी धारा के अनुसार दंडित करता हूं। बोलो महानुभाव कौन सा पाप किया उसने, पिक्चर बनी देखने के लिए थी लेकिन अदालत ने रोक लगा दी, सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दी, नहीं देख सकते आप। आपको भी डर लगा, मैं धर्मात्माओं को पकड़ रहा हूं, मैं धर्मात्माओं को पकड़ रहा हूं, तुम धर्मात्मा हो कि नहीं,
धर्मात्मा हो कि नहीं थोड़ा पकड़ लेना, उस पिक्चर को देखते ही तुम्हें किसका डर लग रहा है, कोई न देख ले, कोई न देख ले, कोई न देख ले, किसका डर लग रहा है? माँ बाप का? यदि तुम्हें माँ बाप का डर लग रहा है, जाओ तुम कितना भी बड़े पापी क्यों ना हो, तुम सपूत की कोटि में आओगे, क्योंकि पाप तो नहीं छोड़ रहा लेकिन डर रहा है माँ बाप न देख लें। यानी ये एक्सेप्ट तुमने कर लिया, मैं कुछ गलत कर रहा हूं जो मेरी माँ बाप की दृष्टि में ठीक नहीं है। आप सुधर जाओगे, आप सुधर जाओगे। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी, और किसी व्यक्ति ने कहा, आपका बेटा सिगरेट पी रहा। उन्होंने कहा, साहब मेरा बेटा सिगरेट नहीं पी सकता। बोले साहब मैंने आंखों से देखा है। बोले साहब मैं कह रहा हूं नहीं पी सकता। बोले आपके सामने दिखा दूं तो? बोले तो असंभव, असंभव, मेरे सामने तो पी ही नहीं सकता, आकाश के तारे जमीन पे आ जाएंगे लेकिन मेरे सामने मेरा बेटा सिगरेट पी नहीं सकता। उन्होंने कहा, अच्छा इतना विश्वास है, चलो मैं चलता हूँ। ले गए वो तो फूंके जा रहा था। उसने कहा, देख लीजिए आपका ही बेटा है। बोले बेटा मेरा ही है, वो मेरे सामने नहीं पी सकता, अभी उसने मुझे नहीं देखा है। मैंने तो उसको देख लिया है, अभी उसने मुझे नहीं देखा। जिस दिन वो मुझे देख लेगा फिर पी के दिखाएं तो जानू। पिताजी धीरे से जाके खड़े हो गए। उसने कहा, अरे पापा आ गए। तो उसने बीड़ी पी रहा था, उसने हाथ लगा लिया। बोले देखा, मेरा बेटा मेरे सामने नहीं पी सकता। पिताजी समझ गए अब ये सुधर सकता है, इसे पिता का डर, तिनके की आड़ में पहाड़। इसने हाथ लगा लिया ना, पिताजी समझ गए अभी इसमें बेटापन है, अभी इसमें पिता की मर्यादा है। इसने बीड़ी सिगरेट को छुपा लिया, इसने मुंह फेर लिया, अभी इसमें गुंजाइश है, अभी ये पिता को पहचानता है, अभी ये, और ये भी जानता है कि पिता के सामने क्या नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार महानुभाव, तुम कितने बड़े पापी हो, तुम्हारा मन कितना पापी है, तुम कितने बड़े पाप को देख क्या कर रहे हो। मैं बस एक थर्मामीटर देता हूँ मोटिवेशन, कि तुम्हें किसी कार्य करते समय किसका डर लग रहा है, किसका डर लग रहा है। कार्य करने की छूट है, कार्य करने की छूट है, तुम कर सकते हो, कर सकते हो, पर डर किसका लग रहा है? यह कार्य, यह देखते हो मुझे कौन ना दे, माता पिता ना देख ले। यदि ये डर लग रहा है, जाओ तुम्हें माता पिता का वरदान मिलेगा, तुम एक सच्चे बेटे बनने की शक्ति रखते हो। और आ जाए, हाँ माता पिता भी देख ले तो क्या कर लेंगे मेरा, क्या कर लेंगे मेरा, समझ लेना तुम बेटापन खो चुके हो। तुम्हारे सैकड़ों भवों तक तुम्हें अनाथ होना पड़ेगा, सैकड़ों भवन तक माता पिता नहीं मिलेंगे। तुमने मां देखा, क्या कर लेंगे माता पिता, मैं माता पिता से भी नहीं डरता हूं। महानुभाव, करुणा करके कह रहा हूं, दया करके कह रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम माता पिता से दबो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सैकड़ों भवों तक तुम अनाथ मत हो जाना। तुम्हारा जन्म होगा लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे, उनकी गोदी नहीं मिलेगी, उनका दूध नहीं मिलेगा, अनाथ बन के पड़ोगे, दूसरे की जूठन पे पलोगे। मां तुमने एक बार ही भाव किया था, मैं माँ बाप से भी नहीं डरता हूं, मत करना। वो महानुभाव मेरा दुश्मन भी है तो करुणा दया करके कह रहा हूं, कभी ये शब्द अपनी जिंदगी में मत बोलना, मैं माँ बाप से नहीं डरता हूं। सौ सौ भाव बिगड़ जाएंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, भगवान कुछ नहीं कर पाऊंगे। ये वचन, ये वाक तुम्हारा इतना खतरनाक है, कल के तुम भगवान के चरणों में भी लौटोगे
तो वो भी कह देंगे बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तूने एक बार ये कहा था मैं माँ बाप से भी नहीं डरता हूँ, क्या कर लेंगे वो, मत करना रे हैकड़ी, ए गुंडो, सारी दुनिया में गुंडागिर्दी करना, कभी माँ बाप के लिए गुंडागिर्दी मत कर लेना, सारी दुनिया में तुम बोलना कि क्या कर लेगा कौन मेरा, लेकिन बस बस बेटा मैं एक करुणा करके कह रहा हूँ माँ बाप के सामने कभी ये मत बोल लेना क्या कर लेगा, मुझे किसी का डर नहीं है, माँ बाप का भी डर नहीं, ये कहा तुमने मुझे किसी का डर नहीं, और कोई पूछे माँ बाप का, मौन रह जाना, मौन रह जाना, गर्दन झुका लेना, थोड़ा सा आंख झुका लेना, मत बोलना, मत बोलना कि हाँ मेरे माँ बाप का तो डर है, मत बोलना, मौन रह जाना, चुप, आईसी, गर्दन झुका लेना, बस इतने कर लेना, बाकी जिम्मेवारी मैं तुम्हारी लेता हूं, कई भवों तक तुम्हें अनाथ नहीं होने दूंगा, तुम शनाथ होगी, पर वो ये मत बोलना तुम, मैं किसी से नहीं डरता हूं, यदि किसी ने कह दिया माँ बाप से, मौन हो जाना। मौन क्या बता रहा है कि उनसे तो मैं डरता हूं, और यदि तुम्हें ये बात आ जाए, दूसरा लो तुम ये कार्य कर रहे हो, मैं किसी से नहीं डरता हूं, कानून से नहीं, कानून से भी नहीं डरता हूं, कानून से डरते हो कि नहीं, नहीं मुझे कोई कानून का डर नहीं, मैं निपट लूंगा कानून से, मुझे सब आते, सब मेरी जेब में है, अदालत का, अदालत मेरी जेब में है, पुलिस से, सब मेरी जेब, मुझे किसी का डर नहीं, कानून का भी डर नहीं, महानुभाव मत करना, मत करना, भारत देश माता का ऐसा अभिशाप लगेगा, सौ सौ भवों तक भारत देश में नहीं जन्म पाओगे, ये देश नहीं मिलेगा, मां तुमने एक कह दिया मैं कानून से भी नहीं डरता हूं, ये राष्ट्रद्रोही है, और राष्ट्रद्रोही को राष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है, सरकार सजा देवे या नहीं देवे, भारत माता सजा देगी, कर्म सजा देगा, तुम्हारा कर्म ऐसी दुर्दशा कर लेगा कि तुम्हें ऐसे देशों में भेजेगा जहां तुम तरस जाओगे, नरकों में, दुर्गति में जाओगे, क्योंकि तुमने एक बात कही थी मैं कानून से भी नहीं डरता हूं। मत करना मेरे भारत के प्यारे, बहुत पुण्य से मिला है भारत देश, हमारा भारत देश सारे जगत में महान है, बहुत महान है, कई बार मैंने कहा है कि सारे दुनिया में भारत देश महान क्यों है, कभी और बताऊंगा, अभी इतने ही मान लो मेरी बात, कभी नहीं भूल कर स्वप्न में भी हम मुनिराजों तक के लिए भी कह दिया गया वृद्ध राज्यातिक्रम, हम भी कभी ये नहीं कह सकते, सोच भी नहीं सकते कि मैं कानून से भी नहीं डरता हूं, मैं तो साधु हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून जेल में डाल देगा, डाल दे क्या फर्क पड़ता है, मुझे भक्तांबर आता है, क्या कहा, डाल दे क्या फर्क पड़ता है, मैं कानून भक्तांबर आता है, नहीं आगम की आज्ञा है, कभी ये शब्द नहीं बोलना मैं कानून से भी नहीं डरता हूं, आपसे मेरा कहना है कुछ भी करना, कुछ भी पाप कर रहे हो तो मैं उसके संबंध में नहीं जा रहा हूं, बस कोई कहे कानून से तो नहीं डर, कानून का डर नहीं है, मत बोलना, चुप रह जाना, गर्दन झुका लेना, मैं समझ जाऊंगा अभी भी तेरे मन में राष्ट्र की इज्जत है, अभी भी तुझे भारत की इज्जत है, राष्ट्र की इज्जत है, कानून की इज्जत है, क्योंकि तूने मौन ले लिया, मौन हो जाना, और हो सके लो लो अंत का एक होमवर्क देता हूं, लो एक मोटिवेशन देता हूं, जिंदगी में तुम्हें जो करना है करना, करते समय माँ बाप से डरना, जिंदगी में तुम्हें जो करना है करना, कानून से डरना, कानून से डरना। अब मैं भी थोड़ा सा अपना स्थान बनाऊं, तुम्हें जो कर रहे हो कर रहे हो,
मैं किसी से नहीं डरता हूं, गुरु से भी नहीं। हाँ हाँ, मैं गुरु से भी नहीं डरता हूं। बस जाओ महान भाव, जाओ। अब तुम्हारा कोई गुरु ना जाने कितने भवों तक तुम गुरु को तरस जाओगे, पशु बनोगे, ना तुम्हारा स्कूल होगा, ना तुम्हारा कॉलेज होगा, ना तुम्हारा पढ़ाने वाला होगा, ना कोई तुम्हें बताने वाला होगा, कोई भी तुम्हारे लिए नहीं बता, भटकते भटकते मर जाओगे सिर्फ बोल लो, क्योंकि तुमने एक बार कहा था हाँ मैं गुरु से भी नहीं डरता हूँ। महानुभाव, जब भी कोई कृत्य करो, कोई कहे देख ले तेरे महाराज को पता चल जाएगा तो हाँ यार ये तो डर लग रहा है, समझ लेना मैं तुझे अपना शिष्य बना लूंगा और गुरु की छाया तुझे मिलेगी, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, गुरु तेरे संकट में काम आएगा। जब भी तू गुरु का नाम याद करेगा गुरु तेरे लिए आशीर्वाद भेजाएंगे। जब जब तू कहीं भी संकट में पड़ना, पर कौन से शिष्य को कह रहा हूं, जो आज्ञा में चलता वो नहीं, जो गलत चल रहा है लेकिन उसके मन में एक ही बात है मुझे किसी का डर नहीं, गुरु का तो डर है। यदि गुरु का डर तुम्हारे पास है जाओ, हर संकट में गुरु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मात डर का दिखाओ कि गुरु का डर है, कभी ये नहीं डरना मैं गुरु से भी नहीं डरता। धर्म से भी मत बोलना, कोई कहे कि देख भगवान से डर, अपने भारत में अंतिम चुनौती ये दी जाती है, अरे कर रहा है कृत्य कर रहा है थोड़ा भगवान से डर, तू भगवान को क्या मुंह दिखाएगा। महानुभाव, बहुत रहस्य इन शब्दों में, ये शब्द मैंने पढ़े मैंने कि ओह धन्य है भारत देश। अंत में क्या कहा, अरे और किसी से डर तो नर, लेकिन भगवान से तो डर मत कह देना, मत कह देना रे कि मुझे भगवान का भी डर नहीं है। भगवान तुम्हें जो करना है सो कर, लेकिन ये मत बोल देना मैं भगवान से भी नहीं डरता हूं, आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा, चिल्ला चिल्ला के मर जाना कोई सुनने वाला नहीं होगा, रो रो के मर जाना कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने एक बार कहा था मैं भगवान से भी नहीं डरता हूं। कोई कहे कि भगवान तो चुप रह जाना, और कह सको तो ये बोलना नहीं भगवान से तो डरता हूं, ये कार्य कर तो रहा हूं लेकिन मुझे भगवान का डर लग रहा है, डर लग रहा है, मात डर लग रहा है, यही धर्म है। इसलिए मैंने बड़े विस्तार से बता दिया, किसी कार्य को करते समय जो डर लग रहा है यही अंदर का धर्म है, यही अंदर का धर्म है। परिवार का धर्म, राष्ट्र का धर्म, गुरु का धर्म, मंदिर का धर्म, भगवान का धर्म यही है कि तुम डर रहे हो, और ये डर जब तक बना है तब तक धर्म का बीज तुम्हारे अंदर है, तुम धर्मात्मा बन सकते हो। और ये डर जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन आप स्वच्छंद हो। इसलिए धर्म का अवतार कब हुआ, जब प्रकृति ने ये घोषणा की जिसको जो करना है करे, जिसको जो देखना है देखे, जो सुनना है वो सुने, जो बोलना है बोले, जो खाना है खाए, जो कुछ करना है करे, तो मैं छूट देता हूँ। बस इस प्रकृति की उस घोषणा पे इष्टे लगाने के लिए धर्म और धर्मात्माओं का अवतार हुआ है महावीर भगवान।